नमस्कार मित्रों मित्रों आज नी वीडियो मा बात करीशु देश अने दुनियाना महत्वना समाचार नी। सौ प्रथम बात करिए तो खालिस्तान समर्थकोना ट्विटर एकाउंट भारत मा ब्लॉक कराया छे। भारत मा खालिस्तान समर्थकोना ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करवामा आव्या छे। आ संदर्भ मा केनेडा नी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ना नेता जगमीत सिंह, पॉइंट रूपी कौर, स्वैच्छिक संस्था युनाइटेड सिख अने केनेडा स्थित कार्यकर्ता गुरदीप सिंह सहोतानो ट्विटर एकाउंट भारत में ब्लॉक कर देवामां आव्यो छे। पंजाब में अमृतपाल विरुद्ध थई रहेली कार्यवाही ने ध्यान में राखीने आ एकाउंट्स ने ब्लॉक करवामां आव्या छे। अन्य समाचार की बात करिए तो गुजकेट परीक्षा की तारीख जाहिर करवामां आवी छे। गुजरात मध्यमिक अने उच्चतर मध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा डिग्री एंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा अने फार्मसी में प्रवेश मेळवा मांगता ए बी अने ए बी ग्रुपना एचएससी विज्ञान प्रवाहना उम्मीदवारों माटे गुजरात कॉमन एंट्रन्स टेस्ट लेवामां आवे छे। आ वखतनी गुजकेटनी परीक्षा 3 एप्रिले लेवाशे। 1,00,000 करता पण वधारे विद्यार्थीओ आ परीक्षा आपशे। आ परीक्षामां गुजराती, हिंदी अने अंग्रेजी एम 3 भाषामां प्रश्नपत्र रहेशे। अन्य समाचारनी वात करीए तो IMF શ્રીલંકાને 7 અબજ ડોલરના આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી। ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડે શ્રીલંકાને મોટી રાહત આપી છે। આ ફંડે શ્રીલંકાને 7 અબજ ડોલર સુધીના આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરી છે। IMF આ રાહત પેકેજને શ્રીલંકા પ્રોગ્રામ નામ આપ્યું છે। શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ રાનિલ વિક્રમસિંઘેએ પણ IMFની જાહેરાતનું સ્વાગત કર્યું છે। રાષ્ટ્રપતિ રાનિલ વિક્રમસિંઘે કહ્યું છે કે હું IMF અને શ્રીલંકાના આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારોનો તેના સમર્થન માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું। તો ચાલો મિત્રો ફરીથી દેશ અને દુનિયાના મહત્વના સમાચાર લઈને મળતા રહીશો। ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો। નમસ્તે।